ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत विषय इतिहास के भाग 35 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 35 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग 36 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अमर शहीदों के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नियमित तैयारी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब प्रारंभ करते हैं आज का भाग। आज का हमारा मुख्य बिंदु है राजस्थान के अमर शहीद। राजस्थान के अमर शहीदों में बात करें, नानक जी भील, ध्यान देना नानक जी भील ये बूंदी किसान आंदोलन जो थे उसमें शहीद हुए थे। बूंदी किसान आंदोलन में 1922 में डाबी स्थान पर प्राण मित्रों भले गंवाना पर झंडा नीचे न झुकाना, इस गीत को गाते हुए झंडा पकड़े हुए नानक भील पर बूंदी राज्य के पुलिस ने गोलियां चलवा दी, जिससे नानक जी भील वहीं पर शहीद हो गए। अगले हमारे अमर शहीद हैं रूपाजी व कृपाजी धाकड़। धाकड़ एक जाति है, ध्यान देना। रूपाजी कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन में के दौरान जून 1922 में मेवाड़ राज्य की पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी ये दो मारे गए, अर्थात ये दो जवान शहीद हो गए। इन दोनों का जन्म बेंगू ठिकाना मेवाड़ राज्य में हुआ था। अब हम बात करते हैं ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह की। ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह का संबंध तसीमो कांड से है। ये दोनों शहीद लखमीपुर गांव धौलपुर में शहीद हुए थे। यह तिथि थी 11 अप्रैल 1947। चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा डाबड़ा किसान आंदोलन में 13 मार्च 1947 को शहीद हुए थे। इसी के साथ इनके चार और साथी भी शहीद हुए, उनमें पन्ना राम चौधरी, रामाराम चौधरी, रुघाराम चौधरी और अलकाराम चौधरी भी इनके साथ थे। ध्यान देना ये स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर रियासत से जुड़े हुए हैं। श्री रमेश स्वामी, श्री रमेश स्वामी का जन्म भुशावर भरतपुर में हुआ। ध्यान देना श्री रमेश स्वामी बेगार विरोधी आंदोलन में फरवरी 1947 को शहीद हुए। भरतपुर पुलिस ने इन्हें बस से कुचलवा करके मरवा दिया। अगले अमर शहीद हैं बीरबल सिंह। एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये हरिजन युवक रायसिंह नगर बीकानेर में जुलाई 1946 को शहीद हो गए। शांतिलाल व आनंदीलाल ये मेवाड़ रियासत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पुलिस की गोली से अप्रैल 1948 में उदयपुर में शहीद हो गए। अगले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें लूणकरण, रामकरण, मोरिजा और खूबाराम, ये जयपुर रियासत के किसान थे। ये जागीरदारों की गोली का शिकार मई 1948 में हो गए। अब हम कुछ शेष रहे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की और चर्चा कर लेते हैं। इनमें पहले हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा, ये अजमेर के निवासी थे। इन्होंने 1931 में रेलवे खजाने को लूटने की एक योजना बनाई, तो उस खजाने को लूटने में ये ज्वाला प्रसाद शर्मा शामिल थे। अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं पंडित ताड़केश्वर शर्मा। जब नमक कानून तोड़ा तो पंडित ताड़केश्वर की मुट्ठी में नमक रह गया, जिसे बाद में विजय सिंह पथिक ने 600 रुपए में नीलाम किया था। पंडित ताड़केश्वर शर्मा के द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित किया गया और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था गणेश। अगले स्वतंत्रता सेनानी है हरलाल सिंह। हरलाल सिंह विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक थे। कुशल नेतृत्व के लिए कार्यकर्ताओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी।
छगन राज चौपासनी वाला, छगन राज चौपासनी वाला ने जूनी धान मंडी जोधपुर में पहली बार तिरंगा फहराया और इन्होंने यह तिरंगा 26 जनवरी 1932 को फहराया। जयनारायण व्यास के साप्ताहिक समाचार पत्र लोकराज ने जो था उसका संपादन का कार्य भी छगन राज चौपासनी वाला के द्वारा किया गया। पंडित नरोत्तम जोशी, पंडित नरोत्तम जोशी 1945 में संविधान निर्माण की जो समिति थी उस संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य रहे। इन्हें राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। सुमनेश जोशी, सुमनेश जोशी के द्वारा रियासती नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और इसके संपादन का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया गया। जोधपुर से 1946 में इन्होंने इस रियासती समाचार पत्र को प्रकाशित करवाया। 1957 से 62 तक इन्होंने विकास मूलक सचित्र साप्ताहिक पत्र आयोजन जिसका नाम था इसके प्रकाशन का कार्य भी किया। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक एक पुस्तक का प्रकाशन भी सुमनेश जोशी के द्वारा 1973 में किया गया। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य किया गया। गणेश लाल व्यास उस्ताद, गणेश लाल व्यास उस्ताद के द्वारा प्रकाशित गीत की जो पुस्तिकाएं हैं उनमें 1932 में उन्होंने गरीबों की आवाज़, 1940 में बेकसों की आवाज़, 1946 में इंकलाबी तराने, इन गीति पुस्तिकाओं की प्रकाशन का कार्य गणेश लाल व्यास उस्ताद द्वारा किया गया। मणिबहन पंड्या, थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे, मणिबहन पंड्या को बागड़ की बा की उपाधि भी मिली हुई थी। मणिबहन पंड्या भोगीलाल पंड्या की धर्मपत्नी थी। रामकरण जोशी, रामकरण जोशी ने के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन का कार्य किया गया और यह साप्ताहिक पत्रिका थी स्वराज। अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास मद्रास से सबसे पहला हिंदी पत्र प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति थे। इनके द्वारा भारत तिलक नामक एक समाचार पत्र का, हिंदी पत्र का प्रकाशन का कार्य इन्होंने करवाया। केसरी सिंह बारट के विषय में कुछ बातें छूट गई थी पिछले भाग में, उनको आज इस भाग में पूरा कर देते हैं। जो इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका और संकलन कर लिया है। केसरी सिंह बारट के जो पिता थे वो कृष्ण सिंह बारट थे। केसरी सिंह बारट की मृत्यु 1941 में हुई थी। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो चारण पाठशाला उदयपुर में हुई थी। बाल्यकाल से ही स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार थे उनके धार्मिक विचारों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और 1890 में इनका विवाह माणिक्य कंवर के साथ कर दिया गया। माणिक्य कंवर कोटड़ी ठिकाना जो कोटा राज्य में आता था वहाँ की रहने वाली थी और केसरी सिंह बारट की प्रसिद्ध कृति जो महाराणा फतेह सिंह को उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में जाने से रोका था, चेतावनी रि चुंगटिया, वह 13 सोटों का जो संग्रह था वो महाराणा को इन्होंने सरेरी रेलवे स्टेशन पर सौंपे थे। महाराणा दिल्ली गए लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। पहली 20 वर्ष की कारावास की सजा इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में काटी। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रमणि कंवर और पुत्र था प्रताप सिंह बारेठ। 1919 में जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर ये वर्धा गए। अब विजय सिंह पथिक के बारे में भी कुछ बातें पिछले भाग में छूट गई थी जिनका हमने पूर्ण इस भाग में किया है। ध्यान देना, विजय सिंह पथिक जाति से गुजर थे। 1914 ईस्वी में ये टाटगढ़ मेरवाड़ जेल से फरार हो गए। इसके बाद ही इन्होंने अपना नाम बदल करके भूप सिंह किया था। जेल से फरार होकर के मेवाड़ क्षेत्र में घूमते रहे। बाद में केसरी सिंह बारेट के जमाई मेंगटिया, ध्यान देना, मेंगटिया गांव गए और उनके केसरी सिंह बारेट के जमाई का नाम था ईश्वरदान आसिया, ये यहां पर गए और मेंगटिया के बाद में ये कांकरोली चले गए। कांकरोली में बालकों की शिक्षा के लिए
इन्होंने भाणा गांव में एक पाठशाला की स्थापना भी की। साधु सीताराम के आग्रह पर 1916 में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बिजोलिया आंदोलन को शक्ति प्रदान करने वाले जो समाचार पत्र थे, बिजोलिया आंदोलन की बात को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले जो समाचार पत्र थे वे थे प्रताप और केसरी। प्रताप इसके संपादन का कार्य गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया, जबकि केसरी के संपादन का कार्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी उनमें राजस्थान सेवा संघ और दूसरी थी सेवा समिति। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में और सेवा समिति की स्थापना इसके द्वारा 1915 में की गई। केसरी विजय सिंह पथिक के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे वो राजस्थान केसरी वरदासे और नवीन राजस्थान जो बाद में तरुण राजस्थान नाम कर दिया गया, इसका प्रकाशन का कार्य अजमेर से किया गया। पथिक जी ने 1928 में एक साप्ताहिक पत्र राजस्थान संदेश का भी शुभारंभ किया। पथिक ने अपनी आयु के चौथे दशक में जाकर के जानकी देवी अध्यापिका से शादी की और इन्होंने यह 1930 में संपन्न की। जानकी देवी सोन गच्छ गांव ग्वालियर की रहने वाली थी। पथिक जी के अंतिम दिनों की बात करें तो उनका अंतिम देहांत अजमेर 1954 में हुआ, अजमेर के अंतर्गत। और कारण था इनको अत्यधिक लू लगने से ये बीमारी के चपेट में आ गए थे, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन इनके द्वारा 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उमा जी के खेड़े में की गई और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे मन्ना पटेल। पथिक जी की जो सबसे चर्चित रचना रही वो है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये इनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी जिनके रचना का कार्य पथिक जी द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से आज इस पार्ट 36 के अंतर्गत हमने जो है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीदों के भाग को पूर्ण किया। इनमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का कार्य किया, इनका प्रयास किया है जिससे परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के अलावा आप यदि संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा कुलदीप कुमार, वहां पर आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए समस्त कोर्स प्राप्त हो जाएंगे। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। नमस्कार।